नोटबुक। यस, क्या किया आज आपने? आगे आओ। दिनों के नाम, दिनों के नाम। इधर देखो कितने दिन होते हैं। सेवन, सेवन। हिंदी में क्या बोलेंगे? सात दिन। दिन। ओके, बोलो। इधर देखो, सोमवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार, वीरवार, वीरवार, शुक्रवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार, सुना? रविवार, रविवार को क्या होती है? हमारी छुट्टी होती है। ये हमारा क्या है? हॉलीडे, हॉलीडे, फन डे। रविवार इज अ फन मंडे। डे। ओके, नेक्स्ट वन दिखाओ। बस हम देखो वो मतलब ओके, माइनस सम। मैं ओके, बताओ। टेस्ट टेस्ट है। है, कितने मार्क्स आए हैं? फोर आउट ऑफ फाइव। वेरी गुड, वेल डन। क्लैपिंग। फाइव में से फोर। यस, आपको आ रहे हैं? यस। और क्या किया था स्कूल में, बताओ जल्दी से। क्या क्या एक्टिविटी हुई थी? ग्राउंड में गए थे, ग्राउंड में थे। ओके, ग्राउंड में वहां क्या किया? पे रेस लगाई थी। ओके, अच्छा अब आप मेरे को वो सुनाओ, आउली स्पेलिंग सुनाओ, बर्ड नेम। वेरी गुड, आउल। और कौन सी आती है आपको बर्ड नेम में? सुनाइए। पीकॉक। नो, पी पी ई डबल आर नो, पी 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 ई ए पी पी ए पी कॉक, सी ओ कॉक सी के कॉक। कॉक। ओके फ्रेंड्स, देखिए बच्चों को बिना मारे भी हम अच्छे से उन्हें सिखा सकते हैं प्यार से। वो प्यार से भी समझते हैं, हमें इनको मारने की जरूरत नहीं होती, ये वैसे भी समझ लेते हैं आजकल के बच्चे। ओके बेटा, चलो अच्छा कर रहे हो अभी। क्या? ओके ओके। और टेस्ट ट्रिकी लिखा। टेबल आती है आपको? हाँ ठीक। सुनाइए ट्रिकी टेबल। थ्री वो जा खाली थी, टू जा सही थी, थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टी, थ्री सिक्स जा एटी, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री फोर जा थ्री एट जा ट्वेंटी थ्री एट जा फोर, ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, थ्री टेन जा थर्टी। थर्टी। ओके वेरी गुड, वेल डन। ये वर्क करो आप बैठ के तब तक। अच्छा। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट आइए। ओके यस, दिखाइए बेटा आपका क्या हुआ है, फाइव फोर टू मैम, ये वाली रो आपका टेस्ट हुआ था किस चीज का? जी ईएस लेसन 12 एक्सरसाइज। ओके, आपके 5 आउट ऑफ 5। वेरी गुड, ये बच्चे देखो कितना अच्छे पढ़ रहे हैं। 5 आउट ऑफ 5, वेरी गुड। और दिखाओ कोई और कोई टेस्ट भी हुआ था, शो मी, जल्दी लाइए। ह्यूमन जा था दी ओके। आप हिंदी की तैयारी नहीं करते? क्यों? ओके, आप बीच में ही बोलना, नो अपना करिए। ये इतनी मिस्टेक क्यों की है? ओके, 3 आउट ऑफ 6। ओके, जो आपने मिस्टेक राइट की है, ये क्या बोलते हैं, ये आपका जो ईयर है ना, वो आज ए ए यहाँ से पकड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ठीक है, आगे से मिस्टेक नहीं करोगे ना। वेरी गुड, वेल डन। ओके, जो मिस्टेक है उनको आप कितने टाइम लिखोगे? 3 टाइम, 3 टाइम। ओके, कहाँ जा रहे हो? ओके वेरी गुड। ओके, आपके टेस्ट हुए थे बेटा कोई? मैम आपने जो दो दो टेस्ट हुए थे। यस नहीं हुआ था? 1 मिनट आओ आप बैठिए। यस आंसर मैम, आज इंग्लिश का हुआ था बट वो अभी मिला नहीं। ओके, आज आपको करना है हिंदी का अनुच्छेद पूरा करना है। आपको पता है कौन सा अनुच्छेद है? देखो एक बार बोल, अनुच्छेद दिखाओ मुझे। हाँ सर, तक आप बताओ टेस्ट है आपका। ओके, कोई टेस्ट हुआ था? दिखाओ टेस्ट लाइए। आज मेरे दो दो हुए। यस जल्दी लाइए। आज दोबारा खुला दी।
फुल मार्क्स आए हैं दोबारा। ओके कितने मार्क्स आए हैं? 10 out of 10 वेरी गुड। देखिए ओके कितने अच्छी राइटिंग लिखी है। वेरी गुड बर्नर। राइटिंग के भी मार्क्स मिलते हैं ना आपको इसमें? ओके और नेक्स्ट मैम एसएसटी का भी है लाया हूं दिखाओ फिर मैम ने कहा था कि ये सारे वर्ड्स और ये ग्लॉसरी और क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर लेंगे इसको ब्लॉक कर के। ओके ब्लॉक 20 मैं पहले आप क्या करोगे इसके डिफिकल्ट वर्ड मैं भी आधा कर लेता हूं या तो इससे आधे मार्क्स मिले सब ने तो हां खा ले इसमें दो तीन वर्ड छूट गई थी मेरी। ओके सब ने तो हां। ओके वेरी गुड। अब क्या करोगे नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है? मैम नेक्स्ट एग्जाम मैम कंप्यूटर के बाद नहीं कंप्यूटर। आप दो दिन छुट्टी पे हो ना इसलिए एक बार कंप्यूटर दोबारा से रिवाइज कर दो। ओके मैम वेरी गुड है ना? यस ले लो। यस आप तक दिखाओ। यस वो सिर्फ 5 तक का नाम है। आप टेस्ट तो मत करो क्योंकि ये तो मेरे को पता है कि आप ये अच्छा करते हो। मैम इंग्लिश की रिवीजन वर्कशीट है वो कर लूं? हां इंग्लिश की रिवीजन वर्कशीट। ओके जो आपके रॉन्ग है ना उनको एक बार दोबारा से करो ठीक है। बस दो मार्क्स की जीत हुई फोर्थ की भी जा तो है तो 8 मार्क्स की मैं फोर्थ की जा तो है होता है ना इसकी सारे को ये फोर्थ की जा तो है 8 मार्क्स का टेस्ट 12 आज मैं बैठ पे एक चैप्टर रिवाइज करो फिर कौन सा करोगे ठीक। ओके वेरी गुड दिखाओ बेटा। यस नमन ये किस चीज का टेस्ट है हमारा? ओके 15 13 and half out of 15 यस वेरी गुड। ओके जो जो एक मिस्टेक जो आप करते हो ये दो वो नहीं करोगे आपको आगे से। ओके जैसे वन एंड टू इसका क्या सॉल्यूशन है जैसे बार बार अगर आपकी जो मिस्टेक हो रही है आप क्या करोगे उनको अभी 3 या 4 times राइट करोगे। ओके चलो करो वेरी गुड वेल डन। अब एक बार क्रैक का है 4 प्लस वाले। ओके लाओ प्लस वाले सम करते हैं आइए मेक वर्ड। हां नहीं पहले प्लस वाले कर लेते हैं। ओके कहां है प्लस? नोटबुक देखिए उधर ही हो गया आपकी मेरे पास नहीं है जब आया था बिल्कुल दे दी बाय कब है अरे पजल नहीं हो ना देखो वहीं हो गया आपके पास। मैं आ रहा हूं मेरे पास नहीं है अब वीडियो जो ओके मंथ नेम बताइए बेटा मंथ नेम J A F U A R वही जनवरी FEBARURY फेब्रुअरी वही मिस्टेक करनी है डेली RURY बोलो RA FEB RURY ओके आगे बताइए। वेरी गुड March 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 yes APIRAL 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 एग्जाम कितने नजदीक हैं और अभी तक आपको याद नहीं है भूल जाते हो। चलो अभी से मंथ नेम दोबारा करके आओ और फिर आना मेरे पास जल्दी से। ओके वेरी गुड। यस नमन जल्दी कीजिए बात ले जाइए जल्दी जल्दी लाइए मैथ बुक लाइए जल्दी बेटा मंथ नेम करो पहले दो मंथ नेम रफ नोटबुक है आपकी। ओके कौन से चैप्टर का टेस्ट है आपका? हां 18 आता है आपको यस मैम मूविंग क्लॉक। ओके ऐसा 1 आवर में कितने मिनट होते हैं बताइए जल्दी से 60 मिनट्स और 3 आवर में कितने होंगे फिर 3 आवर्स में 180। ओके वेरी गुड। ओके मैं आपका टेस्ट बना देती हूँ तब तक आप नेक्स्ट सब्जेक्ट कर लो ठीक है।
अभी देखो बैठिए, तब तक टेस्ट बना देते हैं। गुनो आपको क्या लिखना आ गया? A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। चलो राइट करके दिखाओ जल्दी जल्दी, अभी यहीं खड़े कर जल्दी से। यस पेंसिल लीजिए बेटा, इसे शार्प पेंसिल। ओके अभी पेंसिल शार्प नहीं है बेटा, पेंसिल शार्प रखते हैं हमेशा, ठीक है ऐसे नहीं। ओके याद लीजिए, मैं आपको पेंसिल शार्प करके देती हूँ। ओके आप एक ड्रॉइंग बना के दिखा मुझे एक बार। एक और एप्पल राइट कीजिए। राइट कीजिए। नो नो रॉन्ग कर दिया, ठीक से राइट करो। बी फोर बोर्ड, यस स्टैंडिंग लाइन। कव अगेन कव। ओके सी, सी फोर कैट। डी फोर यस। अच्छा काउंटिंग कराओ मुझे एक बार। ओके बेटा अब आप बैठ के राइट करो, चलो ठीक है। ए एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। January, February, February, March, March, April, 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 May, June, June, July, July, September, September, O C T O B E R October, N E V E M B R November, D C E M B E R December, madam। Okay, very good, well done। Okay बेटा next subject कीजिए। Okay yes next subject कीजिए। Yes अलीशा आप क्या करोगे? मैं वर्क में से कर रहा हूँ। ओके डू फास्ट बेटा, व्हेन गांधी जयंती सेलिब्रेटेड, व्हाट डू सिस्टर डू ऑन रक्षाबंधन? सिस्टर टाई राखी ऑन ब्रदर्स ट्विस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑनम। It is famous for snake boat race. किसलिए famous है? It famous for its snake boat race. Okay. Next बताइए, why do we celebrate Guru Parv? We celebrate Guru Parv on birthday of Jesus Christ. क्या ये जीसस? गुरु नानक, गुरु जैसे जी से गुरु पर और जी से ही गुरु नानक। गुरु नानक देव जी बोलो। वेरी गुड वेल डन। ओके अच्छा याद किया, थोड़ा और करो इसको ना आप एक बार राइट करके देखोगे ठीक है, रफ नोट दूंगे। जैसे गुरु पर गुरु नानक
देव जी, ओके ओके। और नेक्स्ट चैप्टर क्या, हाउ आर फॉरेस्ट यूजफुल टू अस, फॉरेस्ट हमारे लिए यूजफुल टू अस बिकॉज़ दे गिव द प्लांट गिव एंड द ट्री गिव अस ऑक्सीजन एंड दे गिव अस नंबर। ओके, व्हाई इज गुजरात फेमस फॉर, गुजरात इज फेमस फॉर, गुजराती फेमस फॉर अमूल कोऑपरेटिव ऑन टू द टू डे। ओके, इस चैप्टर ये क्वेश्चन आप एक बार दोबारा से लर्न करो थोड़ी से, ऑपरेटिव डेयरी एंड अनन। ओके वेरी गुड, एक बार ये राइट करके देखो बेटा अच्छे से। ओके आप आइए, प्लीज सोलर सिस्टम साथी। Solar system, sun and its along planet that revolve around the sun is known as solar system. Okay, good. Yes, Naman, aapke done. How is the sun useful to us? Sun is useful for us by the it gives light, heat and energy. ओके गुड, बट आप इसको सिंपल बोलो, द सन गिव अस हीट लाइट एंड एनर्जी। ओके गुड, ओके यस, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड लाइट, फॉर्मेशन सात्विक, रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजिंग डे एंड नाइट, डिफाइन वेदर, एट अ प्लेस गिवन एयर इज कंडीशन ऑफ एयर, इधर आओ, क्या होती है कंडीशन ऑफ एयर, क्या होती है कंडीशन ऑफ एयर। ओके भूलना नहीं है, अब एग्जाम आ रहे हैं। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी डेफिनेशन, एबिलिटी टू डू वर्क। ओके हैबिटेट, हैबिटेट नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ एन एनिमल वेयर एनिमल्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। Satellite, small objects that revolve around the planet. Filtration, removing light and soluble impurities from a liquid by passing it through a filter. Define force, push or pull of an object. Okay, very good, well done. Next subject, कीजिए बेटा. Okay, good. Friends, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे ही ट्यूशन से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।